बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट में एक डिफरेंस ये आ जाता है, यहाँ पे मिलता है सॉकेट, बट जो मिड वेरिएंट रहता है विद बीटी वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर पोर्ट मिल जाता है यूएसबी टाइप। मिड वेरिएंट विद बीटी यहाँ पे आप लोगों को ये जो डैश है ब्राउन आ जाता है और ब्लैक और ब्राउन ये एक सेटअप चेंज हो जाता है। पियानो ब्लैक क्रोम सेटिन फिनिश पियानो ब्लैक ये एक चेंजेस है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है सुजुकी बर्गमैन सीट 125 के बारे में, बेस वेरिएंट यानी कि विदाउट बीटी आज अपन लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे चल के अदर वेरिएंट्स भी और अदर कलर ऑप्शंस भी बर्गमैन के आप लोगों को देखने को मिल जाने वाले हैं। आज के वीडियो के लिए ये अपना मैट मरून कलर रहने वाला है, जो कि कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन जाता है। पियानो ब्लैक का काफ़ी अच्छा यूज़ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये वाला सेटअप आप लोगों को मिल जाने वाला है। और एक ओवरऑल फिट एंड फिनिश क्वालिटी की बात करते हैं ना बर्गमैन में, चाहे वो प्लास्टिक क्वालिटी हो या फिर पेंट फिनिश क्वालिटी हो, काफ़ी आप लोगों को अच्छा ये सेटअप पूरा ओवरऑल मिल जाने वाला है। थोड़ा सा एक रोड नॉइज़ आएगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अभी ना फेस्टिवल सीज़न ऑन है और शोरूम में काफ़ी ज़्यादा रश रहता ही है। प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो ऑन रोड जयपुर बर्गमैन का बेस वेरिएंट आप लोगों को कॉस्ट करने वाला है 1,11,600 रुपये, 1,11,600 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर विदाउट एनी एसेसरीज। ऑन रोड प्राइस ये आपकी रहेगी जयपुर की। फ्रंट नोज पे देखते हैं तो यहाँ आ जाता है अपना नंबर प्लेट का होल्डर, सुजुकी का जेल वाला एक लोगो आ जाता है जो कि क्रोम वाला है, जेल वाला नहीं है। यहाँ पे आ जाता है एक विंडस्क्रीन क्लियर में, जो कि काफ़ी अच्छा ये सेटअप बन जाता है। बर्गमैन की पर्टिकुलर ना काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज भी आप लोगों को आफ्टर मार्केट मिल जाने वाली है। एक मैक्सी स्कूटर वाला लुक यहाँ पे मिलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो MID भी फ्रंट नोज पे ही रहता है और हैंडल बार अपना प्रॉपर डिफरेंट लेआउट आ जाता है। की का शेप कुछ आपका इस टाइप से है, जैसा कि सुजुकी की सभी स्कूटीज़ में की रहता है। शटर वाला इग्निशन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप लोगों को MID का स्टार्टअप ये रहने वाला है नॉन BT का। हैंडल बार पर भी एक पियानो ब्लैक वाला यूज़ आ जाता है और सुजुकी का लोगो यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इग्निशन ऑन है, इग्निशन के साथ हेडलैम्प भी और LED DRL भी यहाँ पे अपना ये ऑन रहने वाला है। फ्रंट मडगार्ड इस टाइप से कुछ आपका ये पैटर्न रहेगा। रिफ्लेक्टर आ जाता है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग 90 सेक्शन 12 इंचेस का फ्रंट है, 10 इंचेस का आपका रियर टायर रहेगा। अलॉयज ग्लॉसी ब्लैक में इस टाइप से MRF ट्यूबलेस टायर यहाँ आप लोगों को मिल जाता है और इस टाइप से अपना टायर का पैटर्न है। डिस्क देखते हैं तो फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है डिस्क निसिन ब्रेकिंग के साथ, लगभग 190 mm के राउंड अराउंड इसका साइज अपना रहने वाला है। रियर रहता है ड्रम, तो कुछ इस टाइप से ये अपना ब्रेकिंग का लेआउट रहेगा। और ये रहा हेडलैम्प ऑन होने के बाद लुक, मल्टीपल कंपार्टमेंट में हेडलैम्प सेटअप है। एग्जॉस्ट नोट के साथ आपको सारे कंपार्टमेंट में ऑन करके दिखा दूंगा। और LED DRL अपना ये रहा, कॉम्बिनेशन में लाइटिंग हो जाता है LED प्लस हेलोजन, हेलोजन में ही इंडिकेटर सेटअप भी है जो कि आपका फेंडर पे रहेगा। लुक को ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, जो कि साइड फेंडर वाला सेटअप रहता है। सीट की बात करते तो काफ़ी बड़े साइज़ की एक तो सीट आप लोगों को ये मिलेगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाता है रेड स्टिचिंग वाला पैटर्न। होप कि हाँ आप लोगों को विजिबल है। सो ब्लैक विथ रेड स्टिचिंग यहाँ पर आप लोगों को ये सेटअप मिल जाने वाला है। सीट हाइट का कोई भी इशू नहीं है, 780 mm 780 mm का टोटल सीट हाइट यहाँ पे रहने वाला है। इस टाइप से कुछ फुटबोर्ड का अपना लेआउट रहेगा, साइज़ काफ़ी ज़्यादा इनफ है। प्लस ये आप लोगों को मल्टीपल फुट प्लेसिंग यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है, फुट आपका प्लेस यहाँ भी आपको कर सकते हो। वार्निंग स्टिकर एक आ जाता है, लगेज हुक एक अपना यहाँ है। एक यहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा, एक 1 लीटर की वाटर बॉटल आप लोगों की ईजिली यहाँ पर आ सकती है। रियर बॉडी पर देखते हैं फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अपोजिट साइड। तो बर्गमैन स्ट्रीट की साइड से प्रॉपर ब्रांडिंग मिल जाती है, पियानो ब्लैक वाला यूज़ यहाँ भी है। फुटपैक इस टाइप से अपना फोल्डेबल रहेगा सिल्वर फिनिश में, पियानो ब्लैक में ही आपका ग्रे रेल भी रहेगा सिंगल पीस में। और इग्निशन के साथ टेल लैंप भी अपना ऑन है। नंबर प्लेट का जो बल्ब है ये आपको हेलोजन में मिल जाता है और इस टाइप से अपना ये टेल टाइडी का लेआउट रहने वाला है। रियर टायर की सेटअप देखते हैं तो MRF का टायर है, अलॉय का शेप कुछ इस टाइप से आप लोग ये विजिबल है ही। रियर टायर की ग्रेडिंग कहाँ पर है, सो जी रियर टायर अपना रहने वाला है 90 सेक्शन और 10 इंच का रियर आप लोगों को अलॉय मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट जो रहता है बर्गमैन EX, वहाँ पे फ्रंट भी 12 रहता है, रियर भी आपका 12 ही रहता है। उससे अलावा अच्छी चीज़ ये हो जाती है एक टायर हगर भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूज़फुल पार्ट ये हो जाता है। एग्जॉस्ट पर देखते हैं तो हीट शील्ड अपना रहेगा, फाइबर कवरिंग भी कह सकते हो, हीट शील्ड भी इसको कह सकते हैं। प्लस टिप यहाँ पर अगेन पियानो ब्लैक आ जाता है। रियर टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है, वही पियानो ब्लैक यहाँ भी है, सुजुकी की ब्रांडिंग रियर में अपना आ जाने वाला है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, बट जो बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट में एक डिफरेंस ये आ जाता है, यहाँ पे मिलता है सॉकेट, बट जो मिड वेरिएंट रहता है विद BT वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर पोर्ट मिल जाता है USB टाइप। यहाँ पे आप लोगों को 12 वॉट का ये चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और स्पेस भी है प्लस कवरिंग भी है, बट ये लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आपकी कवरिंग नहीं रहती। बट अच्छी चीज़ ये है कि कवरिंग तो कम से कम है,
ये चीज़ एक अच्छा सेटअप हो जाता है। डैशबोर्ड और प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ही, प्लस एक लगेज हुक डी टाइप अपने को यहाँ भी मिल जाने वाला है। ये रहा आपका रियर बॉडी, यहाँ से ये चीज़ ना ज़्यादा विजिबल है, और टायर हगर भी आप लोग देख सकते हो। ये रही आपकी ग्रेडिंग 1910। किक स्टार्ट सभी वेरिएंट में, बर्गमैन के तीनों ही वेरिएंट में आपको किक स्टार्ट सेटअप मिलना ही है, यानी कि टॉप एंड वेरिएंट पे भी और बेस वेरिएंट में भी किक स्टार्ट अपना रहेगा। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों हैं, साइड स्टैंड पार्ट ऑफ एसेसरीज नहीं है। ये स्कूटी के साथ आपको स्टैंडर्ड मिलने वाला है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ, जैसा कि होंडा में रहता है साइड स्टैंड, वहाँ पे पार्ट ऑफ एसेसरीज रहता है। बस सुजुकी में ये आपको स्कूटी के साथ ही मिलने वाला है। रियर ब्रेकिंग 130mm ड्रम है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग इसको सुजुकी नाम देता है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। सो 124cc का यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है CVT गियरबॉक्स के साथ। 8.6 HP का पीक पावर है और 10 Nm का टोटल टॉर्क है। स्कूटी का टोटल वेट 111 kg। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 160mm का, 160mm का टोटल अपना ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर रहने वाला है। बाकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी से आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हो। इस टाइप से कुछ अपना रियर व्यू मिरर है, कार्बन वाला टेक्सचर एक आ जाता है। अब ओपन करके देख लेते एक बार ना सीट का सेटअप के किस टाइप से प्रॉपर अपना सीट का लेआउट अंडर सीट स्पेस रहता है। सो ये ओपन हो चुकी है सीट। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल 5.5 लीटर, 5.5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एक्सटर्नल फिलिंग बर्गमैन में नहीं रहता, यहाँ पे अंडर सीट ही रहेगा, E20 का स्टिकर आ जाता है, और इस टाइप से ये अपना रहेगा अंडर सीट स्पेस काफ़ी अच्छा। एक इजीली बड़े साइज़ का हेलमेट तो देखो नहीं आ सकता, यहाँ पर ना स्मॉल साइज़ का फुल फेस हेलमेट आ सकता है, तो वो आप लोग यहाँ पे इजीली रख सकते हो। बाकी लगेज वगैरह आपका जो भी पॉली बैग वगैरह हो उसके लिए भी इनफ स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, और अच्छी चीज़ सीट का जो साइज़ है ये भी अपना हो जाता है। स्विचेस सेटअप देख लेते हैं फिर आते हैं अपन लोग MID पे। तो हाई बीम लो बीम इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं इसको, इस साइड पे सिंगल बजर में हॉर्न आप लोगों को मिलेगा। राइट साइड पे किल स्विच है और यही अपना स्टार्टर भी रहने वाला है। इस टाइप से कुछ अपना थ्रोटल ग्रिप है, बार एंड फाइबर में ही मिलेगा। एक बार स्कूटी को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलता सुजुकी के किसी भी स्कूटी में। डिस्क्लेमर भैया, फ्लोरिंग जो है ये अपना मेटल में है, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होगा जैसा कि इस टाइप से, बट स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। अभी कोल्ड स्टार्ट पे स्कूटी और हेडलैम्प ऑन, ये आपका सेटअप है ही। हाई बीम लो बीम वाला ये पूरा सेटअप है। सो एक बार ये वाला मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। सो ये अपना सारे कंपार्टमेंट आपके ऑन हो चुके हैं और इंडिकेटर भी अपना ऑन है। सो कुछ ये अपना एग्जॉस्ट नोट कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। अब देख लेते हैं MID सेटअप। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है। BT कनेक्टिविटी के बिना ही स्कूट एक MID सेटअप अपना रहता है। ये वेरिएंट विदाउट BT वाला ही है। दोनों ही साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, यहाँ पे शो हो रहा है अपना क्लॉक, ट्रिप ए अभी शो हो रहा है, चेंजेस करके देखते हैं। सो ये आ जाता है अपना ट्रिप बी, बैटरी वोल्टेज और ऑडोमीटर, जीरो मीटर आपका बर्गमैन। सो ये सारी डिटेल हो जाती है अपनी कंप्लीट। अब एक बार आप लोगों को मैं कलर ऑप्शंस दिखा देता हूँ जो कि बर्गमैन के अभी अपने पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे अपने पास बर्गमैन का पूरा लाइनअप रेडी, सभी वेरिएंट हैं। ये रहा अपने पास वाइट कलर बेस वेरिएंट विदाउट BT का, मिड वेरिएंट विद BT, यहाँ पे आप लोगों को ये जो डैश है ब्राउन आ जाता है, और ब्लैक और ब्राउन ये एक सेटअप चेंज हो जाता है। सो बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट मैट ब्लैक, ग्लॉसी वाइट, मैट ब्लैक, मैट ब्लैक, ये कलर ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड में। इसका वीडियो भी मैं अभी शूट करने वाला हूँ, मैट मरून जो अपन लोग कवर कर ही रहे हैं, ये मैट मरून का है BT वाला वेरिएंट। ओके, उसके अलावा ये आ जाता है अगेन मैट ब्लैक, BT बेस वाइट, और ये है जी अपना टॉप एंड वेरिएंट यानी कि बर्गमैन EX। 12 इंच का टायर फ्रंट भी है, 12 इंच का रियर भी है, उसी के साथ साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है। पियानो ब्लैक, क्रोम सेटिन फिनिश, पियानो ब्लैक, ये एक चेंजेस हैं। जल्दी जल्दी आप लोगों को इसी में पता चल जाएगा। एक वीडियो और आने वाला है अपना बर्गमैन का, सभी वेरिएंट्स का कंपैरिजन इन अ सिंगल वीडियो। तो इसी के साथ ही हो जाता है जी अपना वीडियो कंप्लीट। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहा हो, तो एक लाइक भी ज़रूर से कर देना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना। अदर कलर ऑप्शंस के वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आ जाने वाले हैं, और राइट रिव्यू भी बर्गमैन का बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लाइव हो जाने वाला है अपने चैनल पर। करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।